आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से अगस्त 2020 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हुआ। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರ್ತವಾದಂತಹ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। ರಾಜಸ್ಥಾನ ಕೆ ಲಾಭಾರ್ಥಿ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಭಟ್ಟರ್ ನೇ ಜೀರೆ ಕಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಲಗಾಕರ್ ಆಸ್ಪಾಸ್ ಕೆ ಗ್ರಾಮೀಣೋ ಕೋ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರತಾ ಪ್ರದಾನ್ ಕಿ ಹೈ। ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕೆ ಲಾಭಾರ್ಥಿ ಶ್ರೀ ಅನೂಪ್ ಕುಮಾರ್ ಮೊಹತಾ ನೇ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಬನಾಕರ್ ಅನ್ನ ಭಂಡಾರಣ ಕೋ ಸುನಿಶ್ಚಿತ ಕಿಯಾ ಹೈ। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।